नमस्कार बच्चों बच्चों हमने पिछली वीडियो में पाठ नंबर 13 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री पाठ को पढ़ा था, समझा था और कठिन शब्दों के अर्थ और शब्दार्थ दोनों काम किए थे। और इसके साथ साथ हमने जो है फिर अभ्यास कार्य में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर किए थे। प्रश्नों के उत्तर बच्चों मैंने आपको अंडरलाइन भी लगवाए थे, तो मैं आज ये मैं बाद में आपको PDF भेज दूँगी इसके प्रश्न उत्तरों की, इसलिए आप जो है इसकी चिंता ना करें। नेक्स्ट आ जाइए आप प्रश्न नंबर जो है 5, 4 तक हमने कर लिया था, प्रश्न नंबर 5 करेंगे। पाठ के आधार पर सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पर बच्चों जो वाक्य हैं इसके पीछे आपके पास दो विकल्प दिए हुए हैं, उन दो विकल्प में से एक सही है उसको हमने यहाँ पर भर लिखना है। आपने पाठ को पढ़ा था, समझा था, तो इसलिए आप जल्दी से ये कार्य कर सकेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला क, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म डैश में हुआ था, शेख सराय या मुगल सराय? कहाँ हुआ था? मुगल सराय। तो यहाँ पर हमने खाली जगह पर मुगल सराय साफ साफ लिखना है, ध्यान से, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए नहीं तो वो नंबर कट जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है ख, लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के डैश प्रधानमंत्री बने, दूसरे या तीसरे? कौन से बने थे? दूसरे। और पहले कौन थे? बताया था मैंने आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? तो याद रहेगा ये चीज़, आपने ध्यान रखना है कि दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आता है ग, शास्त्री जी ने जय जवान जय डैश का नारा दिया, मानव या किसान? किसान। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। घ, एक दिन नन्हे बगीचे में डैश तोड़ने पहुँचे, विकल्प है फूल या फल? तो क्या तोड़ने गए थे? फूल तोड़ने गए थे, तो फूल पर आपने सही का निशान ले डाले। अब आपने ध्यान देना है बच्चों, जो हमने वाक्य में सही उत्तर चुनकर भरा है उस पर हमने सही का चिन्ह लगाना है, जैसे मुगल सराय, दूसरे, किसान और फूल, ठीक है? और फिर साथ साथ आपने इसको खाली जगह पर भरना है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए बातचीत के लिए। बातचीत के लिए आप हम जो है ये आपने नोटबुक में नहीं करना, ये सिर्फ बातचीत के लिए है। क्या कभी आपने बगीचे से फूल या फल तोड़े? कई बार तोड़े होंगे, है ना? आप गार्डन में जाते हो, आप बहुत सुंदर सुंदर फूल देखते हो तो आपका दिल ललचा जाता है कि मैं चलो एक फूल तोड़ लेता हूँ, है ना? कभी आपने बाग में गए हो, बाग में क्या होता है, फल लगे होते हैं बहुत सारे, वो भी कई बच्चे गए होंगे बाग में, आम के बगीचे में गए होंगे, सेब के बगीचे में गए होंगे, तो आपने वहाँ पर भी फलों को तोड़ने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट आता है, यदि आपको कोई किसी बात पर डांटे या मारे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, आप कुछ देर के लिए नाराज़ हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, है ना, और रोते रहेंगे, है ना, और गुस्सा करेंगे, ऐसी हरकतें ऐसी बातें जो है आपके साथ घटित हो सकती। नेक्स्ट है कुछ पता लगाइए। अब हमने पता लगाना है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन का नाम नन्हे था, वैसे पता करके लिखिए कि इन व्यक्तियों के बचपन का क्या नाम था, ठीक है? जैसे स्वामी दयानंद, पता है आपको हमारा DAV स्कूल है, DAV से क्या बनता है? दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल, है ना? और स्वामी दयानंद जो जी जो थे, इन्होंने क्या किया था, ये हमारे आर्य समाज के सबसे DAV स्कूल के सबसे बड़े संत व्यक्ति थे, इन्होंने धर्म का प्रचार किया था, मूर्ति पूजा का खंडन किया था, है ना? तो इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? मूल
शंकर। इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, और इन्हें बचपन में क्या बोलते थे, मन्नू, क्या बोलते थे, मन्नू। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई का क्या नाम था, मन्नू। नेक्स्ट है गांधी जी। अब गांधी जी का नाम बचपन का जो था, मुनिया भी बोलते थे इन्हें, मन्नू भी बोलते थे, मुनिया और मन्नू दोनों नाम से इनको पुकारा जाता था बचपन के। इनके दो दो नाम थे, मुनिया और मन्नू। श्री कृष्ण जी को क्या बोलते थे, कान्हा। नाम सुना हुआ है ना, कान्हा, श्री कृष्ण को कान्हा बोलते हैं, है ना। गांधी जी का नाम आपने याद रखना है, मुनिया और मन्नू। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, प्रश्न नंबर जो है भाषा की बात, भाषा की बात। यहाँ पर प्रश्न है, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर भी वाक्य पूरे करने हैं, दो विकल्प दिए हैं, सही शब्द के साथ हमने इस वाक्य को पूरा करना है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का डैश नन्हे था, क्या आएगा, काम या नाम, नाम, नाम को हमने यहाँ पे लिख देना है, नाम के ऊपर राइट का निशान लगा देना। लाल बहादुर शास्त्री अपना काम डैश से पूरा करते थे, मगन से या लगन से, कैसे करते थे, पाठ पढ़ा था, लगन से, ईमानदारी से, लगन से, है ना, से काम करते थे, समझदारी से। तो लगन यहाँ पर कर दिया, लगन के ऊपर सही का निशान लगा दिया। नेक्स्ट, ग माली ने नन्हे को डैश लिया, जकड़ या पकड़, क्या किया था, पकड़ लिया था, तो माली ने नन्हे को पकड़ लिया। तो इस प्रकार से हमने सही विकल्प के ऊपर हमने सही का निशान लगाया, जो विकल्प हमने सही थे उनके ऊपर विकल्प सही का निशान लगाकर उसको हमने खाली जगह पर भरकर उसको पूरा किया। और पूरा क्यों किया, क्योंकि हमें कहानी का पता था, हमने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा था, समझा था, इसलिए हम शब्दों को हमने ध्यान दिया था कि इन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर दो, परिश्रम शब्द में श्र है, श्र से बनने वाले कोई तीन शब्द लिखिए, श्रम, श्रमिक, परिश्रम नहीं लिखेंगे, श्रम, श्रमिक, श्रद्धा, क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, श्र द के नीचे हलंत और ध। मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर द जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है, ध आधा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है कि द आधा है, आधा को दिखाने के लिखने के लिए हमने दर्शाते हैं हलंत लगाते हैं, आधे व्यंजन को दर्शाने के लिए हलंत लगाया जाता है, और ध पूरा है, धा आ, श्रद्धा। इसको क्या बोलते हैं, मानक शब्दों, मानक रूप लिखते हैं, बोलते हैं कि मानक रूप में लिखा जाता है खोलकर, और हम जो अपना लिखते हैं श्रद्धा वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको दोनों पता होना चाहिए कि हमने हलंत क्यों लगाया, क्योंकि व्यंजन को पूरा दिखाने के लिए हमने, सॉरी, आधा दिखाने के लिए हमने हलंत लगाया। ये हलंत, ये जो पूंछ है, ये आधा को दर्शाती है। अगर पूरा कैसे बनता, द, द जमा में अ, तब बनता है द। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है द जमा में अ, ये क्या है कि ये पूरा जो है दिखाने के लिए इसको किया, श्रद्धा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, बताइए इन्हें और क्या कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द, शब्दार्थ जिसको, देश को क्या बोलते हैं, वतन, देश को क्या बोलते हैं, वतन। ख, परिश्रम को क्या बोलते हैं, मेहनत, मेहनत को परिश्रम, वतन को देश। ग, जन्मदिन, जन्मदिन, जन्म दिवस भी बोलते हैं हम, है ना, बर्थडे जिसको बोलते हैं ना उसको जन्मदिन। ठीक है, प्रयत्न, प्रयत्न क्या है, कोशिश, कोशिश को प्रयत्न। तो आप बच्चों ने इसमें यहाँ पर जो है ध्यान देना है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, इनमें इन्हें हम और क्या कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि इस शब्द को हम और कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं।
उसका क्या अर्थ है, इसका सेम अर्थ जिसका है उसको समान अर्थ वाले कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है आपने बच्चों ये यहाँ तक किया, कल हम इससे आगे करेंगे, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।